हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है, खैर खैरियत से है। तो अभी हम और हस्बैंड जी ने नाश्ता कर लिया, पर बच्चे अभी नहीं किए, तो हमारी बेटी को अभी चाहिए नाश्ता, जा रही है उसको बना के देने के लिए। तो चलिए जो है बना देते हैं, वेट इंतज़ार कर रही। मैंने सोचा अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ, कल रात में हमारी बेटी जो है गई थी शॉपिंग करने, ऐसे थोड़ा सा उसको कपड़े की ज़रूरत थी, तो ऐसा मतलब मन कर रहा था उसको कुछ नया लेने के लिए, टॉप जैसे लॉन्ग कुर्ती मतलब जीन्स वगैरह पे पहनने के लिए होता है ना, तो वो और जो है टॉप भी लिया है। पर ये है कि उसको जो है थोड़ा और लंबा चाह रही थी, पर मिला नहीं, फिर भी वो भी बहुत अच्छा है। और हाँ, हमने ऑनलाइन घड़ी मंगाया था, तो रात में वो भी रिसीव हुआ है। तो हमें भी लेते रात में लोग करते रहते हैं, कम से कम 7-8 बजे करीब आया था वो। चलो फिर भी जो है मैं आपको दिखा देती हूँ घड़ी और हमारी बेटी ने जो टॉप और जो प्रॉप आता है ना टी शर्ट वो लाया है। तो चलो आप देखिएगा और हमें बताइए कमेंट्स करके ये जो है कैसा है आपको, कैसा। बन रहा है हमारी बेटी का नाश्ता, छोटी वाली का, क्यूटी क्यूटी बेबी का, बेबी छोटी है तो इसलिए उसको कुछ भी मैं बोलती रहती हूँ, बेबी बेबी क्यूटी। तो अभी जो है ना मैं भी जो है पूछ रही हूँ, मैं भी अपने लिए थोड़ा टॉप वगैरह ऐसे ही मतलब वो लोकल मार्केट से लेना है। तो नाश्ता वगैरह सबका हो गया है, तो अभी दोपहर होने वाली है, तो मैं जा रही हूँ जो है खाना बनाने। आज हमारा योगा क्लासेस का भी दिन है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना के जो है खाना वगैरह जो है सारे काम कर लूँ। तो और कल रात में मैं बनाई थी जो है सरपैते की दाल बनाई थी, तो ये सरपैते की दाल आपको पता है बथुआ होता है ना, एक हरी सब्जी होती है वो, तो उसकी जो है दाल बनती है उड़द की दाल डाल के उसके साथ में। तो मैं जो है ठंडी में, तो मतलब ये जो है ठंडी वाले मतलब ठंडी में ही ज़्यादा ये लोग बनाते हैं, क्योंकि ये ठंडी में ही मिलती है। अभी तो हर चीज़ ऑल सीजन होंगे, पर सीजनी चीज़ जो रहती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो इस ठंडी मैंने पहली बार बनाया है, नहीं तो हमेशा बनाती थी, मैं भी याद ही नहीं था कि मुझे बथुआ ला के दाल बनाऊँ। तो कल मैं रात मतलब परसों ला के रखी थी जो है, तो मैं कल जो है रात में बनाई दाल, तो वो बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। हस्बैंड जी को मेरे ज़्यादा ही पसंद है, मुझे भी पसंद है, मेरी बेटियों को भी पसंद है, पर मेरी बेटियों को नहीं पसंद है। तो चलो अभी बना लेते हैं फिर टुअर दाल, हमारे बेटों को ये पसंद है ज़्यादा, टुअर दाल ही ज़्यादा मतलब शौक से खाता है। चलो जी बना लेते हैं दाल, ये हमारी टुअर दाल है, जो कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों लोग को बहुत पसंद आते हैं, नन्हे मुन्नों के साथ में बड़े लोग को भी पसंद आते हैं। हम बड़े लोग तो कोई भी चीज़ शौक से खा लेते हैं, पर बच्चे लोग का टेंशन रहता है, अगर कुछ और ऐसा ऐसा बना दो तो उनको तो फिर वही होगा कि कुछ अलग से बना के दो, फिर इससे अच्छा जो बच्चों लोग को जो पसंद आ जाए वो वही बनानी चाहिए। ये कि थोड़ा सा उनको ट्राई कराते रहने चाहिए कि नहीं, अब वक्त के साथ में वो भी जो है पसंद करने लगते हैं, जैसे मतलब छोटेपन में जब छोटे होते बच्चे तो सिर्फ उनको टुअर दाल ही पसंद आती है, फिर एक ये जो होता है ना तो उनको हर चीज़ पसंद आने लगती है धीरे धीरे करके, तो वो है ना एक तरह से फिर होगा कि वो सब पसंद करेंगे। तो हमारा खाना दाल चावल बन गया है, बर्तन भी धुल चुका है, तो दाल बन गया है और चावल भी है। तो दाल चावल बनने के बाद मैं सोच रही थी कि जो है करेला लाई थी, काफ़ी दिन हो गया है, 3-4 दिन से ज़्यादा हो रहा है, करेला ला के रखी थी, आज वो हो गया है ख़राब। एक्चुअली क्या ना, सब्जियों के नीचे एकदम दबा हुआ था, अब मुझे लग रहा था कि ये जो धनिया है, हरी धनिया, तो फिर याद आया इसको देखिए क्या देखते हैं क्या है ये, क्योंकि एक और धनिया के पैकेट रखी हुई है ना, तो दो दो पंडा था मैंने, इसमें क्या है हरा रहा ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है, तो याद आया कि मैं करेला ला के रखी हुई थी, तो वो हमारा ख़राब हो रहा है, एक तो ख़राब हो गया है, एक ख़राब हो गया है, आधा मतलब आधे इस साइड से ख़राब हो गया, देखते हैं जिसमें अच्छा होगा उसको निकाल लेंगे, बाकी जो ख़राब होगा निकाल वो फेंक देंगे। तो ये देखो ये 3-4 आए थे, मतलब 1.25 किलो से ज़्यादा था, मैं थोड़ा ही लाती हूँ, ये वाला थोड़ा ख़राब हो गया नरम, भुकड़ी भी लग गई है, देखो जहाँ से अच्छा अच्छा होगा निकालेंगे, नहीं फेंक देंगे जो ख़राब होगा, ये वाला ठीक है,
बस इसकी वजह से ना, ये इसकी वजह से जो है ना, इसमें भी बुकड़ी ऊपर ऊपर से लगी, बाकी ये ठीक है अंदर से। तो चलो आज हम खाते हैं करेला। तो बच्चे वाले तो खा, बच्चे लोग तो खाने वाले नहीं हमारे कोई भी, मतलब बेटा तो खास करके, मतलब बेटा मेरा बहुत चूजी है, बहुत ही चूजी, मतलब फ़ायदेमंद वाली चीज़ ना के बराबर ही खाता है। फल फ्रूट भी नहीं खाता है, फल फ्रूट में सिर्फ सीताफल आता है ना ऐसा बड़े से ऐसे, वही खाता है। और वो तरबूज वाटर मिला, पर दो फल, मतलब फल में दो ही चीज़ खाता है। तेल अपने हिसाब से डालो, कम भी कम डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है, और थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो थोड़ा टेस्टी है, मतलब अच्छा लगता है, जायका थोड़ा बढ़ जाता है। पर अगर आपको जो है इसकी जो है फ़ायदा चाहिए तो आप कम तेल में बनाइए। रेसिपी नहीं सेट कर रही, बस ऐसे ही आपको बता रही हूँ, मैं आज बना रही हूँ करेला। और ऐसे भी आपको देखते जाइए, बना भी सकते हैं एकदम झटपट बनने वाली सब्जी करेले की, सिंपल और टेस्टी। इसमें प्याज और जो है करेला एक साथ भी डालूंगी, मतलब मोटा मोटा इसको चॉप करूंगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूंगी, नहीं तो करेला तो कच्चा रह जाएगा और हमारा प्याज जल के हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कई तरह के बनाए जाते हैं करेला वगैरह, सबका अपना अपना जायके के हिसाब से बनाता है, जिसको जैसा पसंद रहता है, जो जैसा खाया रहता है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है तो अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए हमारा करेला बनके सिंपल सा एकदम रेडी है, देखो एकदम मस्त लगता है, एकदम जैसे अंडे की भुर्जी होती है ना वैसे ही लगता है, बस ये कड़वा रहता है और इसमें अंडे की ज़रूरत रहती है, फ्लेवर वैसे ही लगता है खाने में। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा सा, मतलब इसको जो है भून देती हूँ ना, जैसे थोड़ा ये सोनापन आ जाता है, जलाना नहीं रहता, बस हल्का सा ऐसा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए थोड़ा, बस अभी एकदम रेडी है हमारा करेले की सब्जी। तो हाँ, मैं ये अभी इसको बना रहे थे ना, मैं और मेरी बेटी छोटी इधर चाय बना रही थी, इधर मैं अपना सब्जी इसको बना रही थी ना, तो अचानक से इधर ये इधर ना इसको ये जो है इसका जो है कैप है ना फेंक के बाहर लाओ, इसका आग निकल गई। हम लोग जल्दी जल्दी से इसको बंद किए, इधर भी बंद किए और नीचे से भी बंद किए, फिर इसको गैस वाले को बुलाया। अभी जो है बस इसमें वो क्या बोलते, इसका पिन जो है क्या बोल रहा था, कुछ तो हो गया था उसमें, वो कुछ आता है क्रीम जैसा, उसको लगाया, इसके बाद उसको फिट किया तो अभी ठीक हो गया। मतलब इतना, मतलब हम लोग डर के फट जो है जल्दी कि क्या हो गया गैस। अच्छा है कि गैस जो है नीचे से, मुझे तो बंद भी नहीं करना आता, मेरी छोटी बेटी को आता है, उसने बंद किया, और ये जो फिर जल्दी जल्दी गए उसको जो है गैस वाले को बुला के लाया मेरा बेटा तो चिल्लाने लगता है, कहीं भी कुछ भी होता है मेरी गलती है उसको ये लगता है मैं ही ध्यान नहीं दे रही हूँ या कुछ है मेरी वजह से हो रहा है ऐसा है। मतलब पता ही क्या दिमाग में उसके भर गया है, जब से कुकर दगा है ना, जब से उसको हरदम डर ही लगा रहता है इधर बाप रे। तो चलो गैस बंद कर देते हैं, और ये इसको बस थोड़ा सा आया, एक छोटा सा पिन रहता है ना उसको जो है चेंज किया और उसमें लगा के, मतलब इसका लॉक का कुछ प्रॉब्लम था कि हम लोग ना ऐसे डायरेक्ट ऐसे घुमा देते, उसको पुश करके इसको चालू और बंद करना रहता है। ये हमारे चिक्कू चेरी देखो इधर ला के रखी हुई है रूम में, हॉल में, इनको ठंडी बहुत लगती है इसलिए इनको अंदर रखा हुआ, क्योंकि जो है ना वो चिड़िया वाले से पूछे थे जो हमारी सेकंड जो है चेरी लाए थे ना, तो उसको ठंड लग गई थी इसलिए वो बेचारे वो जो है ना क्या बोले उससे हम लोग हाथ धो बैठे। तो अभी जो है ना मैं सोचती कि इन लोग को जो है ठंडी ना लगे इसलिए पहले ही इनको अंदर ला के रख देते हैं शाम में होने से पहले, क्योंकि शाम होती है ना तो थोड़ा ठंडा और बढ़ने लगती है। तो इनको हॉल में रखा हुआ, तो हॉल में पंखा वगैरह बंद रहता है चारों तरफ से ना, तो गर्माहट मिलती है, नहीं तो ये फूला रहता है, जब दिन में अभी रखो ना तो फूल के बैठा रहता है चिक्कू हमारा। चेरी तो हमारी अभी तो स्ट्रांग है, थोड़ा छोटी भी है ना तो थोड़ा स्ट्रांग है, ये तो अभी 3 साल का हो गया है ना, तो परिंदे लोग का भी एज हो जाती है, मतलब 3 साल मतलब हो जाता है काफ़ी इनके लिए होता है। फिर तो अभी मैं नमाज़ पढ़ के रख दी थी चाय बनने के लिए और मैं देख रही थी टीवी, तो अभी हमारी चाय भी रेडी हो गई है। तो चलो जी पीले निकाल लेते हैं चाय और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। और आज गए थे जो है योगा क्लासेस भी गए थे, तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर जो है
नमाज वगैरह हुआ हमारा पढ़े, उसके बाद जो है चाय वगैरह हम रख दिए थे बनने के लिए। तो अभी खाने के लिए भी होता है कि योगा क्लासेस से आओ, तो आज मैंने कुछ ट्रिक आजमाया है कि वहाँ से आने के बाद जो है कुछ जो है होता है ना हेल्दी खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि ना अंडे में कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिक्स किया जाए। तो देखिए मैं क्या मिक्स की हूँ। तो देखिए हमारी चाय भी बन के रेडी हो चुकी है, बन कर देते हैं बन, नहीं तो हमारी चाय जल जल के गायब हो जाएगी। तो ये देखिए अंडा है ना, अंडे में मैंने डाला है ककड़ी और टमाटर। मैं सोची थोड़ा दिमाग लगाए मैं, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं, देखते हैं कैसा लगता है हेल्दी। ये हेल्दी मतलब ऐसा कुछ नुकसान ना करे बस, क्योंकि अंडा है और जो है ये ठंडा है, ककड़ी ठंडी होती है और टमाटर भी ठंडा होता है और ये अंडा जो है गर्म होता है। तो अभी मेरी बेटी जैसे रात में नहीं, शाम के बाद 7 बजे के बाद गई हूँ ना, तो शाम के 7 बजे के बाद गई। देखो ये जो है टॉप लेके आई है, ये है क्रॉप वाला, ये कुर्ती समझ लो या जो भी समझ लो, शॉर्ट एकदम कुर्ती है, मतलब ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है, मीडियम साइज है, मीडियम से भी छोटा है। और ये है क्रॉप टॉप है ना, ये भी अच्छा है, मस्त। ये देखो दिखा दे रहे कलर अच्छा है दोनों, मगर लगभग मिलता जुलता कलर है। ये इसको ब्राइट कलर बोलेंगे थोड़ा, ये ऐसा पीच कलर, पीच कलर है, और वो प्याजी कलर होता है, क्या बोलते हैं प्याजी कलर को, इसको बोलेंगे लैवेंडर कलर। लेवेंडर कलर भाई, इंग्लिश का नाम कलर नहीं पता भाई, चलो मैं तीन कलर, पीला हरा लाल नीला, यही दो कलर हम लोग जानते हैं। सात कलर आते थे, अब भूरा कलर, या तो कोई भी ब्राउन नहीं बोलता था, भूरा बोलता था। तो अभी ये देखो, अभी जस्ट हम लोग को अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है, हम अमेजोन से हम लोग ने ऑनलाइन जो है घड़ी मंगाया था, तो ये देखते हैं अभी खोल के। तो ये देखिए हमारा जो है घड़ी आया है, बराबर आया है, सही से आया है, इसका कोई भी इसमें फ्रॉड नहीं हुआ है। पर इसके पीछे का जो है ना कैप जो है सेल लगाते हैं ना, ये गुम है, अब इसमें दिया नहीं है, अब चलो इसके लिए भी करते, मतलब कुछ ना कुछ रह जाता है, या था ही नहीं कि है ही नहीं, मतलब नहीं होता है, कैप रहता है मगर इसमें तो रहता है, ये वाले में मतलब पीछे इतना कवर रहता है ये। चलो अभी क्या करें, ये क्या बोलते हैं इसको, स्क्रंची क्यों बोलते हैं इसको, बाल में लगाने वाला है, रबर है। अच्छा है स्क्रंची, तो बाल में ये फ्री मिला है घड़ी के साथ में। चलो अभी पहले बहुत लगाते थे हम लोग के टाइम में, मतलब आज से 10-15 साल पहले, 10 साल पढ़ लो, इसका बहुत चलन था, अभी कम हो गया, फिर आ गया है, मगर ये फिर वही रिपीट होता है। और ये मैट है दरवाजे का, डोर का। चलो